खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में बात ममता के उस राजनीतिक चाल की जो उन्होंने 2019 के लिए, 2019 के चुनाव के लिए चल दी है, और इस पर बात करने के लिए कोई और नहीं, मास्टर स्ट्रोक में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ चुकी हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्मृति ईरानी, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर स्ट्रोक में अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। सबसे पहले तो इस 6:30 बजे कल जो शुरू हुए पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की मैं बात करूं तो आप इसे समेटेंगी कैसे? ये CBI वर्सेस ममता बनर्जी है, दीदी वर्सेस मोदी है, या फिर संवैधानिक उठा पटक है और कुछ नहीं? ये दीदी वर्सेस संविधान है, दीदी वर्सेस इंसाफ है, दीदी वर्सेस गरीब है और दीदी वर्सेस हिंदुस्तान है। क्योंकि कल शाम 6:30 बजे से जनता देश की देख रही है बिल्कुल स्तब्ध स्थिति में कि कैसे वो अफसर जो सिर्फ एक घोटाले की छानबीन करने के लिए प्रमाण तलाश रहे हैं उनको ममता जी के आदेश पर इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से उनका अपमान हुआ, उनके साथ हाथापाई हुई। वह पश्चिम बंगाल की मीडिया ये बतलाती है रुबीना जी कि किस प्रकार से इन ऑफिसर्स के घरों पर जाकर, उस वक्त उनके घरों में उनकी पत्नियां, बच्चे, माता पिता बूढ़े वो सब घर में मौजूद थे, उनके घरों को घेरा गया, किस प्रकार से भय का माहौल इन ऑफिसर्स के परिवारों के लिए बनाया गया, इन ऑफिसर्स को कैसे डिटेन किया गया और उनकी प्रताड़ना की गई। भारत के इतिहास में पहली बार पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई ताकि इन ऑफिसर्स का संरक्षण हो सके। तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये ममता वर्सेस संविधान है, ममता वर्सेस भारत है, वो भारत जो चाहता है कि 20 लाख गरीब नागरिक जिनका पैसा लूटा गया शारदा स्कैम के माध्यम से, उन गरीबों को न्याय मिले, आज वो भारत देख रहा है कि कैसे ममता लुटेरों के संरक्षण में खड़ी हुई है। स्मृति जी, उत्तर प्रदेश की मंत्री है मोहसिन रजा, वो ये कह रहे हैं हाउ इज द खौफ, ये दीदी से पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं खौफ का माहौल जो है वो CBI के अधिकारियों ने महसूस किया है, लेकिन उनका कहना हाउ इज द खौफ मेरे दूसरे सवाल पर ले जाता है जो विपक्षी आप पर उठा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि आप यानी केंद्र सरकार CBI का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ये कहते हैं कि इलेक्शन एजेंट के तौर पर CBI काम कर रही है, ED और CBI का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है अपने विपक्षियों को दबाने के लिए। शायद अखिलेश जी ये भूल गए हैं कि 2013 में TMC के MP को जब गिरफ्तार किया गया स्कैम, इस घोटाले के अंतर्गत, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जिसमें अखिलेश का भी समर्थन था। तो क्या अखिलेश उस वक्त राजनीतिक प्रताड़ना कर रहे थे ममता जी की? शायद अखिलेश जी भूल गए हैं कि मई 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस घोटाले की जांच CBI करे, तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने नहीं ली थी। शायद अखिलेश जी जानते नहीं हैं या फिर जानते हुए भी अनजान हो रहे हैं कि अब तक इस घोटाले के चलते जिसमें 40,000 करोड़ से ज्यादा गरीबों का पैसा लूटा गया है, जिसे विदेश भेजा गया है, और विदेश में किन किन लोगों के हाथों में यह पैसा आया है वो भी इस जांच के दायरे में आता है, शायद वो जानकर अनजान बनते हैं कि इस पर्टिकुलर घोटाले में मांग उठाने वाले प्रदेश से स्वयं कांग्रेस के नेता थे, उनमें से एक तो आज नेता प्रतिपक्ष हैं। शायद अखिलेश जी ये भी स्वीकार करना नहीं चाहते कि TMC के कई MPs इस घोटाले के चलते गिरफ्तार हुए, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को विटनेस के रूप में CBI ने जांच के लिए बुलाया और वो स्वेच्छा से गए। उन्होंने CBI को अपना कथन और उनके पास जो भी इस जांच के बारे में या घोटाले के बारे में जानकारी थी वो दी। तो तब तक क्यों कोई नहीं जागा और बोला कि पक्षपात हो रहा है? आज सिर्फ और सिर्फ जब उस पुलिस अफसर के साथ ममता जी खड़ी हुई हैं जिनके पास इस घोटाले के संदर्भ में दस्तावेज हैं, तब अपनी राजनीतिक फायदा के लिए अखिलेश जी हों या बाकी नेता हों वो स्वर से स्वर मिला रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी तो स्वयं घोटाले में, स्मृति जी, 2017 के बाद से लेकर अब तक तो किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं, संवैधानिक पद पर। सवाल ये विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है स्मृति जी कि व्यापम में तो CBI को कुछ नजर नहीं आता,
सृजन घोटाले में तो कुछ नजर नहीं आता, चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश के घोटाले याद आ जाते हैं, ममता के घोटाले याद आ जाते हैं, मायावती के घोटाले याद आ जाते हैं। रुबीना जी हाल ही में नहीं रुबीना जी, ये शायद आप भी भूल गई हैं, हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ, जिनका देहांत हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस, उनके खिलाफ भी मंदगढ़ंत आरोप कांग्रेस और विपक्षी दल लगा चुके थे अपने राजनीतिक फायदे के लिए। उनकी भी जांच हुई और पता चला कि आरोप मढ़े थे सिर्फ राजनीतिक ईर्ष्या की वजह से। मायावती जी पर जो आपने प्रश्न किया, उनके घोटाले में लिप्त होने की बात तो स्वयं अखिलेश ने की थी, स्वयं कांग्रेस ने की थी। आज वो जांच जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जिसकी मांग कर रहे हैं, जो 2013 से चली आ रही है, उसमें राजनीति उन्हें सिर्फ तब नजर आती है जब एक वो व्यक्ति जिसके पास दस्तावेज हैं उसके पास सीबीआई जांच करने जाना चाहती है। आज तक जितने राजनेताओं की जांच हुई तब ममता जी ने कभी कुछ नहीं बोला, धरना नहीं दिया, सिर्फ वो एक अफसर ऐसा है, उसके पास ऐसा क्या कागज है जिससे ममता जी भयभीत हो रही हैं? उल्टा वो तो संवैधानिक पद पर है, गरीबों के संरक्षण में उन्हें कहना चाहिए कि भाई जितना प्रमाण है उसे आप पब्लिक में लाइए। लेकिन स्मृति जी वो तो कह रही है जान दे दूंगी पीछे नहीं हटूंगी, तो फिर पीछे कौन हटेगा जी? कि ऐसे अफसरों के परिवारों को किससे पीछे नहीं हटेंगी, किससे नहीं पीछे हटेंगी? उस पुलिस अफसर से पीछे नहीं हटेंगी जिसके पास इस पूरे घोटाले के दस्तावेज हैं, उसका संरक्षण करेंगी। अगर ममता जी ने यह कहा होता कि मैं पीछे तब तक नहीं हटूंगी जब तक 20 लाख गरीबों को जो लूटा गया उनके साथ न्याय होता, तो देश मानता। आज क्या कह रही है वो सार्वजनिक रूप पर? अच्छा, आपको नहीं लगता कि ममता से सीधी लड़ाई लड़ना, केंद्र का सीधे लड़ना ममता से उनको फायदा पहुंचाएगा, उनको एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म मिलेगा? आप याद कीजिए ना, जब लेफ्ट की सरकार थी यहीं से तो धरना प्रदर्शन शुरू करके वो सीएम के राह को अपनी मजबूत कर रही थी। रुबीना जी देखिए, रुबीना जी तब इतनी मीडिया नहीं थी जो ममता जी का या फिर लेफ्ट का सच जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दे। तब सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन भी नहीं था। आज ममता जी चाहे कुछ भी कहें, हर प्लेटफॉर्म पर सवाल तो उठ रहे हैं ना। ये वो ममता जी हैं जिन्होंने भारत की सेना के खिलाफ बोला, ये वो ममता जी हैं जिन्होंने आरएडब्ल्यू के खिलाफ बोला, ये वो ममता जी हैं जिन्होंने कल ये कहा कि देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को संवैधानिक अपनी शपथ छोड़कर केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये वो ममता जी हैं जिन्होंने आदेश दिया कि जो जो ऑफिसर आया है इस घोटाले की जांच करने के लिए उनके घरों को घेरा जाए, उनके परिवारों को डराया जाए। ये वो ममता जी, आप बंगला पता नहीं जानती है कि नहीं, जिन्होंने आह्वान किया हाल ही के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है कि जार जोर तार वोट, मतलब जिसके पास दम है उसको ही वोट मिलना चाहिए, इस प्रकार से वोट को कैप्चर करो। तो स्मृति जी, आपने सोशल मीडिया का जब जिक्र किया, मुझे वो आई एम श्योर आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, शेर कितना ही बब्बर क्यों ना हो सवारी दुर्गा ही करती है, और आप जानती हैं कि यहां शेर किसे कहा जा रहा है और दुर्गा किसे कहा जा रहा है। आज अगर आप बब्बर शेर और दुर्गा की बात करती हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि वो मां दुर्गा है जिसने महिषासुर का संहार किया, और आज अगर भारत में कोई महिषासुर है तो उस महिषासुर का नाम है करप्शन घोटाला, जिसका संवैधानिक तौर पर संहार करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त है। स्मृति जी, आप अब ये बताइए मुझे कि ये लड़ाई कितनी और आगे जाने वाली है, और इसका सदैव रुबीना जी मां दुर्गा कभी भी असत्य के साथ नहीं थी। धर्म का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, और न्याय 20 लाख गरीबों को जो लूटा गया उनके साथ हो यह अभिलाषा है हर हिंदुस्तानी की। ममता बनर्जी, फिर मैं वही सवाल कह रही हूँ, वो कह रही है मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो अब हमें कल सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई का इंतजार करना चाहिए? कल जो भी होगा वो दूध का दूध पानी का पानी बता देगा? देखिए
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सारे प्रमाणों को इकट्ठा किया जाए। प्रमाणों को इकट्ठा करने में गतिरोध बनकर ममता जी स्वयं खड़ी हुई हैं। आपने सच कहा कि ये विषय अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। कोर्ट क्या निर्णय देगा कल, ना आप जानती हैं ना मैं जानती हूँ। लेकिन हाँ, नजारा पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कैसे निष्पक्ष जांच करने वाले साधारण ऑफिसर्स के साथ ममता जी के आदेश पर हाथापाई हुई। आज ममता जी ने देश को प्रमाणित कर दिया कि उनके राज में नागरिक तो छोड़िए, अफसर भी असुरक्षित हैं। स्मृति जी, जब पता है कि ममता बनर्जी ने कंसेंट नहीं दिया है सीबीआई को लेकर, जब सीबीआई के अधिकारियों को यह पता था कि वो एक बहुत बड़े अधिकारी से पूछताछ करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको पूरी तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ममता बनर्जी इस लड़ाई को कितना आगे ले जा सकती है और कैसे पॉलिटिकली इस्तेमाल कर सकती है? आप मुझे कहना चाहती हैं कि क्या ममता बनर्जी के खौफ से सीबीआई को अपनी तहकीकात नहीं करना चाहिए था? आप मुझे ये कहना चाहती हैं अपने प्रश्न के माध्यम से, क्या सीबीआई को ये सोचना चाहिए था कि मेरे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का राजनीतिक क्या फायदा या नुकसान होगा? सीबीआई को तो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष जांच का आदेश है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मैं तैयारी को लेकर आपसे सवाल कर रही हूँ। सीबीआई अधिकारियों की 40 लोग, 40 अधिकारी स्मृति जी जाते हैं बगैर तैयारी के, कैसे आप जा सकते हैं? क्या तैयारी, किस तैयारी? क्या कोई भी अधिकारी, रूबीना जी, क्या कोई भी अधिकारी इस देश में, अधिकारी तो छोड़िए सामान्य नागरिक, इस बात की कभी कल्पना कर सकता है कि उसके प्रदेश का संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री स्वयं इस प्रकार से प्रताड़ित करेगा ऑफिसर को? क्या ये आप कल शाम को जब ये नजारा देश के सामने आया, इससे पहले क्या आप स्वयं ये सोच सकती थी कि एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री इस प्रकार से संविधान का अपमान करते हुए आदेश देंगी कि हाथापाई हो ऑफिसर्स के साथ? ये राजनीतिक और संवैधानिक कल्पना से परे है जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में घट रहा है। ऑफिसर्स तो इस अपेक्षा के साथ जाते हैं कि प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा, उसके ऊपर न्याय होगा। ऑफिसर्स कभी अपेक्षा मुझे नहीं लगता करते होंगे कि प्रमाण ढूंढने जाऊंगा। और आजकल के माहौल में, देश में जब कण कण की खबर देश जान पाता है चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑफिसर्स के साथ हाथापाई होगी मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार? ये कल्पना किसी की नहीं हो सकती थी। मैं बहुत व्यवहारिक सोच के साथ ये सवाल मैं आपको बताती हूँ। एक ट्रेंड है और इसीलिए मेरा ये सवाल है। ट्रेंड ये रहा है कि ममता बनर्जी है अमित शाह की रैली को इजाजत नहीं देती है, रथ यात्रा को लेकर लड़ाई कोर्ट पहुंच जाती है, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत, हेड ऑन उस लड़ाई को ले रही हैं। तो क्या सीबीआई के अधिकारी ये रीड नहीं कर रहे थे? क्या उनको इस बात का एहसास नहीं था कि जरूर इस चीज का माइलेज लिया जा सकता है? फर्क है रूबीना जी, अपने राजनीतिक विरोधियों को रोकने में और एक अफसर को प्रताड़ित करने में, सार्वजनिक तौर पर उसे धकेलने में फर्क है रूबीना जी। हमें तो अपेक्षा है, हमारे कितने कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए पश्चिम बंगाल में, हमारी कितनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी के आदेश पर बलात्कार किया गया। हेलीकॉप्टर उड़ना या उसकी परमिशन ना देना, ये तो छोटी बात है। हमने ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं जिसमें हमारी महिला कार्यकर्ताओं का बलात्कार हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। स्मृति जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जितने भी विपक्षी दल जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ये जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर हैं और ये बात कह रहे हैं कि आप हमें तोड़ना चाहते हैं, हम और ज्यादा साथ में आएंगे, आप हमारा हमारे खिलाफ बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं सीबीआई और ईडी के साथ लेकर, हम और साथ आए लुटेरों के साथ। रूबीना जी, मैं हतप्रभ नहीं हूं कि विपक्ष लुटेरों के साथ इकट्ठा होना चाहता है। मैं हताश नहीं हूं, ये तो स्वाभाविक है कि विपक्ष लुटेरों के साथ खड़ा होगा। लेकिन आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ
कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वर्तमान के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने सीबीआई की जांच मांगी, कांग्रेस के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि इस चिटफंड स्कैम में ममता जी का हाथ है, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि सीबीआई के माध्यम से जांच हो, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनके अध्यक्ष ने सत्य और इंसाफ का साथ छोड़कर ममता दीदी का साथ दिया है। राहुल गांधी कंफ्यूज लग रहे हैं क्या स्मृति ईरानी? लेकिन 2014 का उनका एक बयान, पश्चिम बंगाल में वो रैली कर रहे हैं, वो इस शारदा चिटफंड का जिक्र करते हैं, कहते भ्रष्टाचार को काबू नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी। मतलब रूबीना जी, अच्छा आपको लगता है वो कंफ्यूज है? टोटली कंफ्यूज है। मैंने वही कहा आपसे, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आपको क्या लगता है? ये तो दुर्भाग्य है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि उनके कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में आवाज उठाई लेकिन उनके अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस आवाज को दबा दी। तो जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं होता वो जनता के साथ क्या खाक खड़ा होगा? 24 घंटे बीत चुके हैं, ममता बनर्जी का कथित सो कॉल्ड सत्याग्रह जारी है। ममता का यह कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई के बहाने जानबूझकर उन्हें निशाना बना रही है। बीजेपी के आरोप लगा रही है कि हम तो शारदा घोटाले की जांच करने के लिए सीबीआई वहां पर पहुंची है और इससे बचने के लिए ममता इतना बड़ा ड्रामा कर रही है। सच क्या है? क्या यह सब 2019 के चुनाव की रणनीति या राजनीति का हिस्सा है? ममता बनर्जी ने करीब 13 साल पहले, याद कीजिए और आज आपको याद दिलाना जरूरी है मास्टर स्ट्रोक के इस प्लेटफॉर्म से, कि ऐसा ही उन्होंने धरना दिया था जिसके बाद वो बंगाल की सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। तो क्या यह धरना सीएम के पीएम बनने की तैयारी है? সবাই ভয় পেয়ে গেল, আমি বাংলার মাটিতে ভয় পাই না। নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ দুই পান্ডা মিলে বাংলাকে যেভাবে অত্যাচার করছে, হুমিলিয়েট করছে, ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো এজেন্সির বিরুদ্ধে আমাদের সত্যাগ্রহ নয়, আমাদের সত্যাগ্রহ হচ্ছে মোদি সরকারের অ্যাট্রোসিটিদের বিরুদ্ধে। জানেন 2019 বিজেপি ফিনিশ এবং বিজেপির এক্সপায়ারি ডেট হয়ে গেছে। ममता बनर्जी एक बार फिर अपने उसी अवतार में दिख रही हैं जिसके लिए वो जानी जाती हैं। वही तीखे तेवर, वही जिद और चुनौती देने का वही अंदाज। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ममता ने ये सब तब किया जब वो सत्ता में नहीं थी और अब वो खुद मुख्यमंत्री हैं। पर सवाल यह है कि क्या ममता अपने पुराने हथियार को एक बार फिर इस्तेमाल इसीलिए कर रही है क्योंकि उनकी नजर अब दिल्ली पर यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और इसीलिए उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। প্রত্যেকটা সেকশনে মানুষকে বিজেপির বিরোধিতা করা মানে তার বিরুদ্ধে এজেন্সি লিয়ে দেওয়া, বিজেপির বিরোধিতা করা মানে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া, বিজেপির বিরোধিতা করা মানে তিনি দেশের শত্রু, বিজেপির বিরোধিতা করা মানে তিনি অ্যান্টি ন্যাশনাল, বিজেপির বিরোধিতা করা মানে তুমি দেশপ্রেমিক নয়। এই যে একটা ঘৃণ্য কায়দায় ঘৃণার আজকে সারা দেশে সৃষ্টি করা হয়েছে, এটাকে আমরা কন্ডেম করি। এটা বড় লড়াই, এটা মাথায় রাখবেন। ममता कोलकाता के जिस मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी हैं, इससे उनका पुराना रिश्ता है। यही वो जगह है जहां सिंगूर की लड़ाई लड़ते हुए भी वो धरने पर बैठी थी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ममता की लड़ाई उस वक्त की सीपीएम सरकार और टाटा मोटर्स के खिलाफ थी। इन तस्वीरों ने कैसे ममता के सियासी करियर को पलट दिया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ममता के इस कथित सत्याग्रह का पूरा सच जान लीजिए। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जांच के लिए गई सीबीआई टीम को ही पकड़ लिया जाए। ममता की पुलिस ने ऐसा ही किया जब कल शाम 6 बजे सीबीआई के 40 अधिकारियों की टीम कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार के घर शारदा चिटफंड घोटाले के बारे में पूछताछ के लिए पहुंची। वहां मौजूद पुलिस वालों ने पहले सीबीआई टीम को अंदर जाने से रोका और फिर 5 सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। Thank you.
दो एजेंसियों के बीच टकराव के इस ड्रामे में नया ट्विस्ट तब आया जब कुछ ही देर में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के बचाव में उनके घर पहुंच गई और वहीं से निकलकर ममता ने ऐलान कर दिया कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। संविधान के रक्षा करार दाबी बाबा साहेब अम्बेदकर धर्णा बसबो आगामीकाल राज्य बजेट আছে আমি যেখানে ধর্ণায় বসবো তার পাশে একটা রুম বানিয়ে নিচ্ছি যেখানে আমি ক্যাবিনেট মিটিং করব। ये कहकर ममता मेट्रो चैनल पर पहुंच गई। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी उनके साथ धरने पर बैठे नजर आए। रातों ही रात धरना स्थल पर बड़ा मंच सज गया। ममता कुर्सी से उठकर मंच पर पहुंच गई। पूरी रात ममता ने यहीं बिताई। इस दौरान देश के तमाम मोदी विरोधी नेता ममता को फोन कर अपना समर्थन जता रहे थे। सुबह समाजवादी पार्टी के किरण में नंदा खुद मंच पर भी पहुंच गए। ये चाहते हैं भाजपा नरेंद्र मोदी अमित शाह देश का लोकतंत्र को खत्म करने के लिए का देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं। सीबीआई जो दुरुपयोग किया सीबीआई का मामला था 2013 और 2019 और तीन हफ्ते का बाद चुनाव घोषणा हो जाएगा। ठीक चुनाव का समय क्यों सीबीआई एक पुलिस कमिश्नर का घर पे घुस गया। दिल्ली के लोग ऑलरेडी काफी टाइम से भुगत रहे थे और अब जिस तरह से इन्होंने चुनाव के जनरल इलेक्शंस के एक महीना पहले इन्होंने एक एक करके सारे लीडर्स को टारगेट करना चालू कर दिया है सीबीआई के जरिए। मायावती जी को टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को टारगेट कर रहे हैं, ममता दीदी को टारगेट करना चालू कर दिया है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सारा देश सारी पार्टियां इस टाइम ममता जी के साथ सॉलिडारिटी में खड़ी है। इसके लिए जो भी करने की जरूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलकर करेंगे। जिस प्रकार से सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, बीजेपी के इशारे पे बीजेपी के फायदे के लिए पूरी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। दोपहर होते होते मंच पर भीड़ बढ़ती गई और उधर दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने संसद में हंगामा शुरू कर दिया। कोलकाता के कोहराम की गूंज संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ अर्जी डालते हुए कहा कि शारदा घोटाले के मामले में वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने अपनी अर्जी में लिखा है कि उसके पास अर्जी में कही गई बातों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, लेकिन उसके दफ्तर पर कोलकाता पुलिस के घेरे के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है। चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि आप हमें इस बात के प्रमाण दीजिए कि कोई सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है, हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई में सीबीआई अपने दावे के मुताबिक प्रमाण रख पाती है या नहीं। शारदा घोटाला करीब 2,500 करोड़ का है। आरोप है कि चिटफंड स्कीम के तहत कई राज्यों में लाखों लोगों से पैसे लिए गए जो उन्हें वापस नहीं मिले। 2013 में राजीव कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। वो धरना क्यों दे रही है? पुलिस कमिश्नर के पास ऐसा क्या है कि जिसको बचाने के लिए ममता जी जान एक कर रही है और सड़क पर बैठी है? आखिर क्या है, क्या क्या छुपाना चाहती है? क्या जो चिटफंड के मालिक थे उन्होंने जो कहा था कि एक लाल डायरी है और कुछ पेन ड्राइव है, उसमें बहुत सारा मसाला है, अनेक लोगों के नाम और कितने पैसे लिए उसका हिसाब है, क्या उससे बचना चाहती है? क्या वह छुपाना चाहती है? आज एक पुलिस अधिकारी के लिए धरना कोई करे मुख्यमंत्री, ये कभी समझ में नहीं आता। कभी एक चिटफंड 1980 साल थे আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছি 2012 মনে রাখবেন 11-এ আমরাই চিটফান্ডের মালিককে গ্রেপ্তার করি। সিপিএম গভর্নমেন্ট নয়, বিজেপি গভর্নমেন্ট নয়। যেই একটা করে ইলেকশন আসে, 2014 ইলেকশন, 2013 পঞ্চায়েত ইলেকশন, 2016 অ্যাসেম্বলি ইলেকশন, আবার 2019 লোকসভা ইলেকশন আসছে, টোটাল চিটফান্ডের নাম করে যেখানে পাচ্ছে ঢুকছে, যাকে ইচ্ছে ঢুকছে।
ममता बनर्जी सीबीआई की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर देख रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया है उससे साफ है कि उनका सत्याग्रह भी चुनाव के लिए ही हो रहा है। पिछले महीने जिस तरह ममता के मंच पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा उसने ममता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पर लगा दिए। बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि मोदी विरोधियों का नेता कौन होगा। राहुल गांधी को लेकर सभी दलों में एक राय नहीं है, ऐसे में ममता को लगता है कि वो इस जगह को भर सकती हैं। यही वजह है कि कल धरने पर बैठने से पहले उन्होंने ये आरोप लगाया कि 19 तारीख की रैली के बाद ही बीजेपी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। किंतु जे कायदाय गिये नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह बांग्लाय कू करार चेष्टा करछे, गाइड जोरे जेहेतु 19th आमि यूनाइटेड इंडिया रैलीटा करेछि तार आगे आमाके अनेक भावे प्रेशर क्रिएट करा हयेछे। কালকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আপনারা দেখেছেন কি ল্যাঙ্গুয়েজে উনি কথা বলেছেন, একটাকেই উনি থ্রেট করে গিয়েছিলেন। এবং 19 তারিখে আমাদের যে স্পেসিফিক খবর আছে, 19 তারিখে আমরা যখন ব্রিগেডে র্যালি করি সেই র্যালির দিনই এখান থেকে সিবিআই অফিসারদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের বলা হয় যে কুস্ত করো, নাগেশ্বরকেও ডেকে পাঠানো হয় এবং এগুলো সব করা হয়েছে ভিন্ডিকটিভলি পলিটিক্যালি। ममता सीधे पीएम मोदी को चुनौती देकर अपना कद बड़ा करने में लगी है। वैसे ममता की राजनीति का हमेशा यही स्टाइल रहा है, अपने इसी अंदाज के कारण वो बंगाल में 3 दशक से भी ज्यादा सत्ता पर काबिज लेफ्ट को उखाड़ पाई थी। तब भी ममता ने इसी तरह धरना दिया था जैसे आज वो बैठी है। 2006 में टाटा की नैनो कार के लिए सिंगूर में जमीन का अधिग्रहण हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया तो ममता उनकी आवाज बनी। 26 दिन तक धरने पर बैठकर उन्होंने दिल्ली की सत्ता को भी हिला दिया। तब भी ममता ने इसी मेट्रो चैनल को चुना था जहां वो अब धरने पर बैठी हैं। उस वक्त भी तमाम पार्टियों के नेता उनके समर्थन में खड़े हुए थे। ये सिंगूर के संग्राम का ही नतीजा था कि ममता सड़क से सत्ता के गलियारों में पहुंच गई। अब वो सत्ता के गलियारों में रहते हुए फिर सड़क पर उतरी हैं। इस बार पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो क्या जिस तरह कोलकाता के मेट्रो चैनल पर धरना देकर वो कभी सीएम बनी थी वैसे ही अब वो पीएम बनने की तैयारी कर रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उस खबर से आपको रूबरू करवा दें। आप इसे केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। जी हाँ, सही पढ़ रहे हैं आप। विजय माल्या को भारत लाया जाएगा क्योंकि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने प्रत्यर्पण को लेकर मंजूरी दे दी है। इस फैसले के खिलाफ हो सकता है कि बाद में विजय माल्या अपील कर दे, लेकिन फिलहाल विदेश भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल चुकी है। ब्रिटेन की सरकार ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रणय, इस वक्त की यह बड़ी खबर है और इसको हम मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे अगर ये प्रत्यर्पण संभव हो जाता है तो। जी हाँ, निश्चित रूप से रूपिका, ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि जिस तरीके से सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो एक के बाद एक भारत से भागे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है, भारत के खिलाफ जो अपराध करने वाले हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है, और इस कड़ी के अंदर जैसा हमने देखा पिछले कुछ दिनों में राजीव सक्सेना को लाया गया हो या क्रिश्चियन मिशेल की वापसी को लाया गया है एक्सट्राडाइट करा के, उस कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम है विजय माल्या का। विजय माल्या जो बहुत लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं, वो ट्विटर पे और बयानों में तो अपनी बात कहते रहे लेकिन भारत के सामने, भारत की जो कानूनी प्रक्रिया है रूबिका, उसके सामने वो अभी तक नहीं आए हैं। तो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, जो कानूनी कवायद चल रही थी उसमें, लेकिन एक पेच इसमें ये है कि ये वही विजय माल्या है जो ब्रिटेन की कोर्ट में कहता है वहां की जेल की हालत ठीक नहीं है, वहां के सीबीआई के अधिकारियों पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब 14 दिन के अपील का वक्त रहता है तो विजय माल्या ऐसा कोई पासा फिर फेंक सकते हैं। देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत विजय माल्या ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन अब एक जो महत्वपूर्ण पड़ाव आया है, जो फैसला आया है यूके होम ऑफिस का, उसमें 3 फरवरी को यूके के जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसकी कंसेंट दी है कि ब्रिटेन सरकार को कोई आपत्ति नहीं है यूके से भारत विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन में, यानी उनके जो ऑप्शन थे वो लिमिटेड होते चले जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया जरूर है लेकिन अब सरकार भी चाहती है, नहीं ब्रिटेन की सरकार भी चाहती है कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण हो, तो ऐसे में उनकी स्थिति जो है वो कमजोर हो जाती है। अब भारत के कानून का सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा बचता नजर नहीं आता है फिलहाल।
प्रणय, इसका मतलब ये जो प्रत्यर्पण का मामला है और अगर प्रत्यर्पण हो जाता है तो इसका फायदा तो फिर चुनाव में भी बहुत हद तक मिल जाएगा केंद्र सरकार को, क्योंकि बार बार आरोप विपक्ष की तरफ से यही तो लगते रहे हैं कि आपने तो उनको भागने में मदद की है, चाहे वो मेहुल चौकसी हो चाहे वो विजय माल्या हो। देखिए, निश्चित रूप से सरकार अपनी तरफ से इसको बनाने की कोशिश बीजेपी निश्चित रूप से करेगी कि एक एक करके इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो कवायद चल रही है। देर समय कौन आता है, कब आता है, किस स्वरूप में आता है, ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, निश्चित रूप से सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि चुनावों के करीब आते आते उसने ये फेहरिस्त लंबी कर दी है, ये दिखा दिया है कि किस तरीके से सरकार इन लोगों को वापस ला रही है, ताकि जो प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और आप देखना एक एक करके लोग वापस आएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार इसको बनाने की कोशिश करेगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लेकिन अगर ये होता है तो ये निश्चित रूप से भारत की एक्सट्रेडिशन, भारत की कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए भी एक कामयाबी होगी, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, 14 से ज्यादा इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि विजय माल्या वहां यूके से बार बार मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं, 9,000 करोड़ लेकर भाग जाना और हिंदुस्तानियों को मुंह चिढ़ाना अब भारी पड़ेगा, क्योंकि विजय माल्या भारत लाया जाएगा। प्रत्यर्पण को किसी और ने नहीं, यूके सरकार ने अब मंजूरी दे दी, हालांकि 14 दिन के लिए अपील का वक्त जरूर मिलता है विजय माल्या को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।